शर्मा एक बहुत बड़े साहित्यकार थे और साथ ही साथ वे शिकार भी किया करते थे। शिकार शिकार खेलने का उनको भी अनुभव था, शौक थी उनको। तो और एक किताब में लिखी है, कहानी संग्रह है वो, शिकार नाम है उसका। वो कहानी हम लोगों ने पढ़ी है, जब हम लोग मैट्रिक में थे तो पढ़ी हम लोगों ने। तो उसमें उन्होंने एक कहानी लिखी है जिसका नाम रखा है स्मृति। स्मृति में उन्होंने जो वर्णन किया है वह संस्मरण है, वो सही वर्णन है। जब वे बालक थे तो पढ़ते थे, बिल्कुल बच्चे थे, तो उसमें घटना को उन्होंने जिक्र किया है और वह घटना अद्भुत घटना है। वह घटना विचित्र और आश्चर्यजनक है और उनके साहस का प्रतीक है। कितना उन्होंने साहस किया, साहस का काम किया, आश्चर्य होता है उस कहानी को पढ़ने पर। हालांकि बच्चे थे, यह काम उन्होंने भोलेपन से किया। वो कहते हैं कि एक बार उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि तुम जाओ और चिट्ठी डाक खाने में छोड़ दो। श्री राम शर्मा अपने छोटे भाई के साथ डाक खाने में पत्र छोड़ने के लिए रवाना हुए घर से। कहते हैं कि वह चिट्ठी उन्होंने अपने ऊपर के पॉकेट में रख ली थी और रास्ते में एक कुआं पड़ता था और कुआं में एक बहुत बड़ा भयंकर सर्प, काला नाग था, काला नाग। जब भी ये पढ़ने के लिए जाते थे ये अपने साथियों के साथ और रात में कुआं मिलता था तो वे ढेला फेंक कर, उनके साथी सब ढेला फेंकते थे और सांप जो था वो पानी का, वो जो जो अंदर था कुएं के अंदर था, पानी नहीं था, पानी तो सूख गया था, तो वो सांप फुफकार मारता था, चीरता था। लेकिन रोज ये लोग कर पढ़ने जाते समय, लौटते समय यह काम करते थे और बच्चे थे लोग जो खेला करते थे। तो इनके मन में आया कि जरा मैं उस सांप को चिढ़ा लूँ, कि ढेला फेंकना चाहा उन्होंने। उन्होंने ढेला फेंक दिया कुएं के अंदर, सांप फुफकार मारने लगा, लेकिन झुके तो जो टोपी के नीचे रखी हुई थी चिट्ठी, वह चिट्ठी नीचे गिर पड़ी कुएं में। अब तो कहे तो क्या करें, ये भय से भयभीत हो गए कि लो चिट्ठी जो गिर गई और चिट्ठी निकाल, चिट्ठी कहाँ से मिलेगी, भैया से क्या कहूँगा। और चिट्ठी में कह दिया कि चिट्ठी में छोड़ दिया डाक खाने में और चिट्ठी पहुँचेगी नहीं जहाँ उन्होंने भेजा है, तो पोल खुल जाएगा या बात का। बड़े फेरे पड़े, बैठे बैठे रोने लगे। छोटे भाई जी कहा क्या किया जाए, तो कहा कि चलो ये काम मैं करूं, मैं प्रयास करूं कुएं के अंदर जाकर मैं पत्र निकालूंगा, कुएं के अंदर प्रवेश करके मैं पत्र निकालूंगा और जाकर डाकान छोड़ूंगा। लेकिन कठिन काम था, बड़ा रिस्क का काम था। अंध कहा कि देखो, उन्होंने पावट जो था, पावट जो लकड़ी का तख्ता का कुएं पर रखा जाता है जहाँ लोग पाए पर खड़ा होकर पानी भरते हैं, लकड़ी का बना होता है, तो उन्होंने अपने धोती खोल दी और अपने छोटे भाई से कहा कि तुम भी अपनी धोती खोल दो। तो दोनों धोती को जोड़ कर उन्होंने पावट में लपेट दिया। लपेट कहा कि अपने भाई से कहा कि तुम धोती को कस कर पकड़ रहो, मैं धोती को ही पकड़ कर नीचे उतरूंगा। छोटा भाई रो रहा था, कैसे क्या काम होगा भाई, तुम नीचे जाओगे,
चिट्ठी उठाने के लिए, तो नतीजा ये होगा कि वो सांप तो काट लेगा तुमको, वो पहले से ही फुफकार मार रहा है। तो श्याम सुंदर कहा कि करता क्या मरता क्या नहीं करता, मैं तो ठान लिया हूँ कि मैं वो जाऊँगा भीतर, प्रवेश करूँगा, चीज़ें निकालूँगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो उन्होंने धोती पकड़ ली हाथ से, नीचे उतरने लगे और जो भाई था ऊपर कस कर पकड़े था धोती को, पाव पकड़ा हुआ था, वो डर रहा था, रो रहा था भाई के मुँह से कब क्या होगा। अब श्री राम शर्मा धोती धीरे धीरे उतरने लगे और सांप जो था वो भय से इधर कुएं के अंदर नाच रहा था और कटकटा भी रहा था, चिरा भी हुआ था। ये जब नदी गए जब, और कुआं पतला कुआं था, सूखा हुआ था, तो देखिए साहस और हिम्मत इनकी और इनका धैर्य और विचित्र अनुभव, विचित्र कहानी है या बात सही है। जब सर्व की पास पहुंचने लगे और चाह कि मैं उतरूं जमीन पर, तो सवाल आता है, सब तो काट देता, पहले तो घूम रहा था इधर उधर। इन्होंने एक ढेला फेंका एक तरफ जमीन के अंदर एक तरफ, तो वह जो सर्प था वो ढेले के पास चला गया काटने के लिए, तब तक एक खड़ा को उतर गए जमीन पर, हाथ में डंडा लिए हुए थे छोटा सा, और डंडा लेकर उन्होंने खड़ा रहे और सब भी आने की हिम्मत नहीं कर रहा था इनके पास। इन्होंने एक ढेला फिर थोड़ा सा फेंक दिया उस सर्प के मुंह पर, मुंह के पास, और जो फेंक दिया इन्होंने वो डंडा ही फेंक दिया वहाँ आगे, सब कटा कर डंडा को दांत से पकड़ लिया। तब तो इन्होंने क्या चीटी उठा ली और उठा कर और धोती पकड़ लिया फिर, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे, और सब जो था वो नीचे बैठा हुआ ताक रहा था, कहे तो क्या सरकते 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 ऊपर आ गए, ऊपर आ गए, बड़ी खुशी हुई इनको, और चिट्ठी लेकर जाकर उनका कान में छोड़ दिया और छोड़ कर चले आए। ये बात उन्होंने अपनी माँ से कही। कुछ दिन के बाद माँ से कही, माँ ऐसा हुआ था, तो माँ इनकी बड़ी तबीयत से रोने लगी, गोद में इनको ले लिया प्रेम प्रेम से, पिता क्या तुमने किया, बताओ मर जाता काट देता तो क्या होता, चिट्ठी नहीं जाती, तो क्या भैया से डर लगता था इसलिए मैंने ऐसा किया, ये कहानी बनाने से किया है। ये कहानी का इतने रोमांचक ढंग से वर्णन किया गया है, लो इतने साथी ढंग से वर्णन किया गया है कि रोमांच हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो यह एक विचित्र घटना का उल्लेख किया गया है उस कहानी में। नाम क्या है राइटर का? श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा, हाँ। ये कहाँ के रहने वाले थे? वो थे उत्तर प्रदेश के थे और बहुत बड़े साहित्यकार थे, और साथ साथ शिकार भी करते थे वे। शिकार किताब का नाम भी शिकार है, किताब का नाम शिकार है, शिकार उसमें पहला पार्ट स्मृति है, और भी शिकार का वर्णन किया है, जिसमें बहुत बहुत उन्होंने हिम्मत से काम लेगा ये कहानी है। ये मेरे लिए यह एक विचित्र कहानी पढ़कर आज भी मुझे रोमांच हो रहा है।